तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि शेफ कैन यू शेयर अ रियली इजी चिकन वाली रेसिपी एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू बी एज इजी एज दिस। जैसा कि आप लोग ने देखा आज की रेसिपी इज अ ब्लैक पेपर चिकन। अब ये केरला से है या तमिलनाडु से है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जिससे सीखा था वो थे एक मलयाली शेफ, लेकिन वो बोर्न एंड ब्रॉट अप थे तमिलनाडु से। सो आई थिंक ही हैज आल्सो मिक्स देम अप समवेयर। बट व्हाट आई कैन से इज इट्स वेरी ट्रू टू द स्पाइसेस ऑफ केरला। जो ब्लैक पेपर की जो फ्लेवर है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पाइस। ब्लैक पेपर की जो स्पाइस है ना थोड़ी अलग होती है फ्रॉम चिली स्पाइस। It's a nice, warming, comforting spice. And ये बारिश के मौके पर please बनाइए ये dish. Eat it with some hot Kerala paratha, and you're going to love, love, love whoever comes in front of you. I don't think I should have said that. Recipe में कह रहा था easy क्यों है? Easy इसीलिए कि कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी cutting chopping है। Chicken आप market से ही काट के लेके आ जाइए। इसमें एक मसाला बनाना है which we can actually store in airtight containers and use whenever we want. And everything goes in one pot and cooks in one pot, keeping it very simple and very tasty. तो इसकी history, geography और science को थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि मुझको ही नहीं पता। But let's not waste any more time and let's check out the recipe. तो चले गए शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे वो पाउडर which I've been talking about। थोड़ा सा जीरा ले लीजिए कढ़ाई में, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंफ। Next add some black peppercorns. And you're gonna dry roast it for at least 2 to 3 minutes on medium heat. ये थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब इसे निकाल के थोड़ा ठंडा होने रख दीजिए। एंड ठंडा होने के बाद इसे करना है ग्राइंड। सो ग्राइंड इट टू अ नाइस पाउडर, जस्ट कीप इट स्टोर्ड इन एन एयरटाइट कंटेनर। अब बनाते हैं द मेन चिकन। तेल गरम कर लीजिए एक पैन में, उसमें डालते हैं एक छोटा पीस दालचीनी का। दालचीनी के साथ डालेंगे थोड़े लॉन्ग, 2 pieces ऑफ क्लोव्स। नेक्स्ट ऐड योर चॉप्ड अनियंस। सॉटे द अनियंस टिल दे गो स्लाइटली ट्रांसलूसेंट। फिर डालेंगे इसमें सम ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज के साथ डालिए सम चॉप्ड गार्लिक एंड सम चॉप्ड जिंजर एज वेल। नेक्स्ट ऐड सम करी लीव्स एंड जस्ट फ्राई दिस ऑन मीडियम हीट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 minutes। अच्छे से भुनिए। थोड़ा मसाला डालेंगे अब, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार एंड कीप फ्राइंग इट टिल द अनियन स्टार्ट टू ब्राउन अ लिटिल बिट। जैसे ही कांदा थोड़ा ब्राउन हो जाता है हम डालेंगे दैट स्पाइस पाउडर दैट वी हैव जस्ट ऐड दिस टू द पैन एंड कुक दिस फॉर अनदर 2 minutes। 2 मिनट बाद हम डालेंगे इसमें द चिकन। चिकन को अच्छे से मिक्स कीजिए विद ऑल दो स्पाइसेस। आई एम यूजिंग चिकन विद द बोन, यू कैन यूज बोनलेस एज वेल। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी एंड वी गोना कवर इट एंड कुक इट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट ढक के रख दीजिए। तब तक बनाइए जाके केरला परोठा। अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड 15 मिनट बाद आपकी चिकन हो गई है रेडी। लुक एट दैट, मसाला इज नाइसली कुक्ड एंड नाइस एंड जूसी। एक ही चीज डालनी है इसमें एंड That is some coconut milk, which is completely optional. Just add a splash, mix it up together, and cook it for another 2 minutes. Now you can decide how much masala you want in this. You know, agar aapko bahut dry chahiye, toh just reduce it. I'm okay with this because I want to eat it with those rotis. That's it. That is the recipe, guys. Serve this garma garam in a plate along with those Kerala parotas, and you are going to enjoy it. Don't forget to take all those lovely pictures. All I need to say now is. Happy eating, guys. So there you go, guys. That is the recipe for the black pepper chicken. Dekha kitna simple hai. I wasn't lying when I said ki anyone can make this. Please do make it, and if you make it, take a lot of pictures. Tag me in those pictures. Let me know ki aapko ye recipe kaisi lagi. And let's not forget, aap mujhe kahin bhi dekh rahe ho. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Show me that love and support, and I'll see you guys tomorrow with another recipe. Till then, bye bye.